नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लॉकडाउन के बाद जिले की जनता को दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने शासन की छूट का व्यापारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। घर पहुंच सेवा के नाम पर व्यापार करने में लगे हुए हैं। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इस बात को लेकर थाना कुंडीपुरा एसआई पारसनाथ ने व्यापारियों को लाउडस्पीकर से समझाइश दी। वहीं कुछ वाहनों पर कार्रवाई की गई। उन्होंने दुकानों के सामने मार्क बनाने के निर्देश भी दिए। इस बात को सुनिश्चित करें कि व्यापारी बंधु अपनी दुकान के सामने एक समय पर केवल एक ही गाड़ी खड़ी करके रखें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों से विगत 4-5 दिनों से लगातार अनुरोध कर किया जा रहा है, किंतु व्यापारी बंधु लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एक समय पर केवल एक ही गाड़ी आप अपनी दुकान के सामने खड़ी करें, उसको भरने के पश्चात दूसरी गाड़ी अपनी दुकान के सामने लाकर खड़ी करें। इस तरह नियमों का पालन होगा और एक स्थान पर भीड़ नहीं लगेगी। सांसद नकुलनाथ के निर्देशानुसार शहर के कांग्रेस नेताओं ने वार्ड 24 पर रहने वाले लोगों के लिए सब्जी के वितरण किया गया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष असगर, वासु अली और समस्त कांग्रेसी पार्षदों के सहयोग से असहाय और गरीब लोगों को भोजन वितरित किया गया। कुछ दिनों पहले ही सांसद नकुलनाथ ने व्यक्तिगत रूप से 25 लाख रुपए संसदीय क्षेत्र के लिए और 1 करोड़ रुपए सहायता राशि अलग से दी है। हम लोग सब्जी का वितरण कर रहे हैं ताकि जो लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, हमारे जो नागरिक हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इन्हीं तारतम्य में नकुलनाथ जी के द्वारा खाने के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं इसके लिए अग्रसर है। राहत राशि, कोई राहत राशि दे रही है, कोई राहत सामग्री दे रही है, तो हमारी भी एक छोटी सी पहल है। हमारे तमाम साथियों के साथ रतन वर्मा और हमारे सभी साथी दिन रात लगे हुए हैं और लोगों के घर घर जाके सब्जी वितरण करने का ये 4th दिन है। और इसके बाद हम लोग सोनपुर सिटी में भी जाएंगे, जो मल्टी सिटी है, जो हमारे रिहायशी इलाका है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। ऐसे लोगों को सब्जी की सुविधा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, इसलिए हम वही प्रयास कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी की भयावहता को देखते हुए गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराज के सदस्यों द्वारा बुधवार को वार्ड 40 के निचले स्तर की बस्ती में जितेंद्र चौहान के सहयोग से वॉशेबल कपड़े, मास्क वितरित किए गए और लोगों को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के द्वारा जागृत करने का प्रयास किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के समन्वयक आनंद बख्शी ने कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा से मोबाइल पर चर्चा कर तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा। जिला बैंड एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन इंग्लिश, सचिव राज गायकवाड़ ने बैंड उद्योग में कार्यरत वाद्य बजाने वाले सैकड़ों कलाकारों की आर्थिक बदहाली पर प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता, राशन आदि की व्यवस्था की मांग की है। शहर व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुजीत जैन ने प्रत्येक मोहल्ले में और विशेष रूप से 17 वार्डों के 24 गांव में किराना व्यापारियों को जनमानस के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आंशिक समय की अनुमति की मांग की है। ये बैंड का व्यवसाय करते हैं और बैंड का व्यवसाय चलता है शादी ब्याह, तीज त्यौहार, रामनवमी, इसमें जवारे में, हनुमान जयंती में लोग बैंड लगाते हैं। अभी स्थिति यह है कि टोटल 152 बैंड वाले रजिस्टर्ड हैं। ये उनका यू एसोसिएशन है। ये रोशन इंग्लिश जी उसके अध्यक्ष हैं और राज गायकवाल जी उसके सचिव हैं। हालात ये हैं कि लोगों ने इनसे सारे पैसे वापस ले लिए एडवांस के, अब इनको खाने को दाना नहीं है। हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि इनके लिए पर्याप्त आर्थिक कोई व्यवस्था की जाए। इसमें से ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा में निवास करते हैं। एक एक बैंड में 15-20-25 लोगों का वाद्य वृंद होता है। आज उनके पास कुछ भी नहीं है और ये जो बैंड संचालक हैं, ये भी देने की स्थिति में नहीं। आज तक इन्होंने काम चलाया, अब इनके पास भी पैसा नहीं है, तो इनकी व्यवस्था बनाई जाए, इनकी लिस्ट इनसे मांग ली जाए। इनका आप मोबाइल नंबर ले लो, इसमें दर्ज है, इनसे बात करके और इनको ये करा दूँ। कुछ लोगों द्वारा तहसील ऑफिस में निशुल्क राशन वितरण करने को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिसको लेकर छिंदवाड़ा तहसीलदार महेश अग्रवाल ने नागरिकों से अपील की है कि एक भ्रम है, इस तरह की कोई योजना नहीं है। शहर के लोगों से सूचना मिल रही है कि ऐसा शहर में भ्रम फैलाया जा रहा है कि तहसील कार्यालय से सफ़ेद राशन कार्डधारियों को अनाज वितरित किया जाएगा। ये कोरी अफवाह है, ये इस पर ध्यान न दें आप। ऐसी कोई योजना नहीं है। जरूरतमंद व्यक्तियों को हर हाल में चाहे तो बंद भोजन का पैकेट या कच्चा राशन पहुंचाया जाएगा शासन की तरफ से। विगत कई दिनों से कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में लॉकडाउन है, जिसके तहत छिंदवाड़ा जिले में भी पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन की वजह से गरीब, मजदूर और दैनिक काम कर अपना घर चलाने वाले लोगों पर खाने का संकट मंडरा रहा है, जिसको लेकर परतला के महाराजा के सदस्यों द्वारा उन्हें भोजन और राशन मुहैया कराया जा रहा है। पहले ही दिन से, आज हमारा 4th दिन है, पहले दिन से 400 से 500
जो बेचारा और गरीब लोग जो यहाँ पर असहाय बैठे रहते हैं, उनको घूम घूम के हमारी पूरी टीम जाके खाना रोज प्रतिदिन एक टाइम का खाना हम देते हैं। तो हमारा टाइमिंग रहता है 12 से 4, हमारी चारों तरफ हमारी टीम लगी हुई है, 12 से 14 लड़कियों की हमारी टीम है जो चारों तरफ ये कार्य कर रही है। हमारा उद्देश्य यही है, जो आज महामारी के चलते इतनी भुखमरी आ रही है और देश के जो गरीब लोग भूख के कारण तड़प रहे हैं, उनको खाना तो मिलना चाहिए कम से कम। हमारी पूरी टीम ये काम कर रही, हम चाहते हैं शहर से भी आवाम करते हैं कि वो घर से ना निकले मगर हमें सहयोग प्रदान करे, परतला के महाराजा की सेवा समिति उनसे सहयोग की अपेक्षा रखती है। शासकीय होम्योपैथी चिकित्सालय नवेगांव सैनिटेरियम में कोरोना वायरस की दवा पिलाई जा रही है। दवा पीने के लिए नवेगांव क्षेत्र के अलावा दमुआ, जुन्नारदेव, परासिया, रामपुर, बैतूल जिले के बोरदई, खेड़दी बाजार, जंबाड़ा से लोग आ रहे हैं। रोज सैकड़ों व्यक्ति होम्योपैथी दवा पीने से नवेगांव पहुंच रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी शिवदयाल कुमरे का दावा है कि होम्योपैथी की 3 खुराक पीने के बाद कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है। हालांकि ईएमएस टीवी इस तरह के किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने जो तबाही मचाया है या भयावह स्थिति पैदा कर दिया है, जो अपने भारत में भी कहीं कहीं पर पॉजिटिव केस मिले हैं। हमारे यहाँ आयुष विभाग की ओर से होम्योपैथिक मेडिसिन बचाव के लिए आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी में वितरित किया जा रहा है और MCI दिल्ली द्वारा सुझाव दिया गया है। इसके सेवन करने से कोरोना से बचाव किया जा सकता है। इसकी खुराक 3 डोज लेना है 3 दिन तक के, तो इससे इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है शरीर में, जिससे प्रतिरक्षा वायरस से लड़ने के लिए उत्पन्न होती है, तो इसको लगातार 3 डोज देना है। सोनपुर आवास में रहने वाली रेखा मालवी ने लॉकडाउन के दौरान पहुंचने वाले पुलिस बल से अपनी परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण वह और उसके बुजुर्ग पति कालका प्रसाद को घर चलाने में दिक्कत हो रही है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि रेखा मालवी प्रधानमंत्री आवास के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छिंदवाड़ा की ओर से बात करने वाली महिला है, जिन्होंने कलेक्टर सभागार से लोकार्पण के सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की थी। विकासखंड मोहखेड़ की ग्राम पंचायत टेमनी खुर्द में पंचायत कर्मचारी के लापरवाह होने के कारण बाहर से आने जाने वाले लोगों को कोई पूछ नहीं रहा है। एक मामला डोंगा टेमनी का सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायत टेमनी खुर्द के युवाओं ने सक्रिय होकर ग्राम पंचायत कर्मियों की आंखें खोली और फिर 1 अप्रैल को चेक पोस्ट बनाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिससे कि गांव में कोई भी बाहर का व्यक्ति न आ सके। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लागू हो गया, भारतीय रेलवे मालगाड़ी प्रचारित कर हर जगह अति उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से कर रही है। ताप विद्युत केंद्र तक कोयला, किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, खानपान की अत्यावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने में रेलवे के स्टेशन मास्टर, स्टेशन स्टाफ, लोको पायलट, गार्ड, रेलपथ कर्मचारी, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे अस्पताल और सफाई कर्मचारी, मेंटेनेंस कर्मचारी, रेलवे कॉलोनियों में पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारियों के अलावा और भी बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी जो पर्दे के पीछे रहकर रेलवे को सुचारू रूप से चलाकर इस विपरीत परिस्थिति में देश सेवा का जज्बा दिखा रहे हैं, वाकई वह तारीफ के काबिल है। छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्रीय रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के सदस्य सत्येंद्र ठाकुर ने सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मठ कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए देश में आए इस महामारी के भयावहता के बावजूद उन्होंने जो सच्चे सिपाही भूमिका निभाई है उसका आभार व्यक्त किया है। रेलवे यात्री सुविधा को रेलवे द्वारा बंद कर दी गई है, पर मालगाड़ी निरंतर हमारे देश में चल रही है, जिससे विद्युत केंद्रों के लिए, ताप विद्युत केंद्रों के लिए कोयला, किसानों के लिए फर्टिलाइजर और खाने पीने की आवश्यक सुविधाएं मालगाड़ी के द्वारा देश के विभिन्न कोनों में पहुंचाई जा रही हैं। इस कार्य के लिए रेलवे के ग्रुप डी, ग्रुप सी और अधिकारी कर्मचारी निरंतर रूप से लगे हैं। मैं उनके जज्बे को नमन करता हूं, जो कोरोना जैसे संकट से के आने के बाद भी अपने परिवार को छोड़कर लोगों की सेवा के लिए लगे हैं। इसके साथ ही रेलवे मंत्रालय द्वारा, रेलवे इंजीनियरों के द्वारा रेलवे को आइसोलेशन के लिए अस्पताल के रूप में भी रेलवे की कोचों को तैयार किया गया है। रेलवे इस समय देश के लिए जो परोपकार का काम कर रहा है, इस जज्बे को मैं नमन करता हूँ। कोरोना जैसी संक्रामक महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमण को खत्म करने के लिए अब क्षेत्र की गुलशन कंपनी भी सामने आई है। सौसर क्षेत्र के गुलशन कंपनी में सैनिटाइजर का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही कंपनी के प्रबंधक सी.के. जैन द्वारा देशहित और जनहित में, प्रबंध निदेशक आयुषी जैन द्वारा स्थानीय चिकित्सालय पंचायत में नागरिकों को सैनिटाइज करने का और उन्हें शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए और जागरूक करने के लिए निर्णय लिया गया है, जो कि प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद गतिशील किया जाएगा।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईएमएस टीवी आप सभी से अपील करता है कि कोरोना वायरस को हटाना है, कोरोना वायरस को खत्म करना है तो अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से बार बार धोते रहिए। नमस्कार।